ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बैतूल में अचानक हुई तेज बारिश से कृषि उपज मंडी में रखा किसानों का अनाज भीग गया है। दरअसल किसानों का अनाज खुले में रखा हुआ था और इस दौरान बारिश के चलते किसानों का मक्का और गेहूं तो गीला हो ही गया, साथ ही समर्थन मूल्य का चना भी गीला हो गया है। इधर अनाज गीले होने के बाद किसानों ने मंडी प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। गीला हुआ आपका और मक्का गीले हो गए अचानक बरसात आने के कारण, तो पेट में जगह देखा तो नहीं है, सबने नीचे डाला, सबने भी डाल दिया, इस कारण वो सब गीली हो गई। पेट में जगह नहीं थी, मौसम अनाचक आया, वो सेठ ही बोलते कि नीचे मक्का गीली आती है तो नीचे डालो सूख जाएगी। व्यापारी बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? कि मक्का नीचे डालो, बोले हमेशा बोलते हो ये बोल रहे गीली है, बाकी उसके ऊपर हमने बर्फारी ढाक दी है, जो भाई पहली में ना पहली होगी तो उसको भी तो बोले आज नहीं ना बातें कर ना पाएंगे। ये साइड में क्यों नहीं रखे थे आप? इधर जगह चौकड़ा लगा था ना, इसलिए। कितना नुकसान? किसकी गलती लगती है आप लोगों का जो अनाज हर बार गीला होता है, किसकी गलती है? मंडी वालों की? अब ये तो मंडी वाले की जवाबदारी है कि भाई ये चौकड़ा उठाओ, व्यापारी को बोलो। हाँ, बोले कर ना पाएंगे, बोले। अब ये जो हम माली का खर्चा कौन देगा? अब वो देखो कौन क्या करते। नहीं, जो अचानक से बारिश के कारण थोड़ी दिक्कत तो हुई है, लेकिन माल को तुरंत उठा करके शेड में रखवाया गया है और अब की तलाई उसकी जारी है। नुकसान हुआ है? अब कुछ परसेंट तो कह सकते हैं कि बारिश से हल्की सी बौछार लगी है अनाज को, लेकिन उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं और काफी हद तक अनाज को बचा लिया गया है खराब होने से। खबर दंतेवाड़ा के भांसी से है।